दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे पोको की एक और नई फोन के बारे में जो कि सी सीरीज में लॉन्च होने वाला है और ये फोन पोको की तरफ से सबसे कम कीमत में लॉन्च होने वाला ये स्मार्टफोन है जिसका नाम है पोको C50। ये बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और इसका कुछ लीक और रूमर निकल के आ चुका है। और इस फोन में कैसी होगी फीचर, कैसा होगा इस फोन का लुक, कैसा होगा इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फ़ोन की अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक के साथ आएगी क्योंकि मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग ही में आपको बता चुका था कि ये फ़ोन सबसे कम कीमत में लॉन्च होने वाली है। तो इस कम कीमत के कारण इस फ़ोन में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा। इसके साथ आपको डुअल रियर कैमरा, पोको की ब्रांडिंग और बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, LED फ्लैश के साथ ये फ़ोन आएगा। और इस फ़ोन की अगर कलर वेरिएंट के बारे में बात करते हैं तो इस कलर वेरिएंट का कोई लीक निकल के नहीं आया है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि दो कलर इसमें रहेगी ही रहेगी, एक पीला कलर और एक ब्लैक कलर के साथ ये फ़ोन आएगा ही। इसके साथ इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन कम कीमत में आने वाला है तो इस फ़ोन का आपको डिस्प्ले भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। इसके साथ आपको 6.52 इंचेस का आपको फुल HD+। इसके साथ इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको 6.25 इंचेस की आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि IPS पैनल के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा। इसके फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको MediaTek का Helio A22 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी जो कि 12 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बनी हुई है, जो कि ये प्रोसेसर काफ़ी पुराना है। अगर इस फ़ोन में A के जगह G का आपको 25 का प्रोसेसर दे देता तो काफ़ी अच्छी रहती। इसी के साथ इस फ़ोन के कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में आपको 12 रियर कैमरा के साथ ये फ़ोन आता है जो कि आपको मेन लेंस होगा आपको 8 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको दूसरा कैमरा VGA कैमरा के साथ डेप्थ के साथ आएगा। और इसके साथ इस फ़ोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सेल्फी में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगी और आगे और पीछे दोनों तरफ से आप 1080p पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पे। और इस फोन के बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिल जाएगी जो कि 10 वाट का चार्जर ये फ़ोन सपोर्ट करता है और 10 वाट का चार्जर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी पोको की तरफ से। इसी के साथ इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको एंड्रॉयड 12 के साथ ये फ़ोन आएगा जो कि गो एडिशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ इस फ़ोन के अगर रैम रेट, प्राइस और लॉन्च रेट के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको 3GB और 32GB, 4GB और 64GB के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगी। साथ इस फ़ोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको 5999 में ये फ़ोन इंडिया में इस फ़ोन के प्राइस के साथ ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होते आपको दिख जाएगी। और ये फ़ोन जनवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च होगा पोको की तरफ से। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबाना नहीं भूलेगा क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।